साथियों नमस्कार, आरआरबी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। समास अध्याय की दूसरी कड़ी के अंदर आज हम तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके अन्य सभी विभक्तियों का वहां पर प्रयोग होता है। विभक्तियों के अंदर लोप होता है, लेकिन हम जब उसका विग्रह करते हैं तब वो विभक्तियां उसके सामने आती है। तो दोस्तों, या अग्रलिखित परिभाषा के हिसाब से हम ये जान सकेंगे कि संबंध तत्पुरुष समास कहाँ होता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है इत्यादि। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर सबसे पहली बात आती है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। बड़े कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से असत्य कथन है या इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो आपको इस बात का पक्का ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि इसका विग्रह करने पर कर्ता एवं संबोधन की विभक्तियों ने, हे, हो, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। ने का मतलब यहां पर शायद आप कंफ्यूजन हो गए हो, क्योंकि कर्ता ने, मैंने पूर्व में भी बताया है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक के अंदर जो पंक्ति आती हा, हो, अरे, तो ये वाले, ये दोनों ही विभक्तियां नहीं आती है। इनको छोड़ करके बाकी सबका प्रयोग इसके अंदर होता है इस समास में। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को छोड़ने के पश्चात आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक के अंदर कर्ता ने कर्म को, अर्थात यहां पर को, कर्म कारक के जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कृष्णार्पण, तो इसका ये हो गया आपका समास और ये हो गया इसका विग्रह। तो विग्रह हम जब करेंगे तो इस शब्द का विग्रह इस प्रकार से होगा कि कृष्ण को अर्पण, ये आपके विग्रह हो गया। परीक्षा के अंदर अगर इस तरीके से दिया हुआ आता है तो आपको इस तरीके से करना है, और इस तरीके से अगर वहां लिखा हुआ आता है तो इस तरीके से करना है। और या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द के अंदर कौन सा समास है, तो आपको तत्पुरुष समास करना है। दूसरी बात, नेत्र सुखद, यानी नेत्रों को सुखद, ये इसका विग्रह हो गया। वन गमन, तो वन को गमन। जेब कतरा, यानी जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, यानी उदक को प्राप्त। इस प्रकार से आप इसका विग्रह कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा जो उपभेद है वो है कर्ण कारक। कर्ण कारक के अंदर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य होता है। तो जैसे हस्तलिखित, तो इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो इस तरीके से होगा हस्त से लिखित। अर्थात कोई वो व्यक्ति कहता नहीं, भाई हमारे पास हस्तलिखित नोट है, यानी हाथों से लिखे हुए नोट। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, अर्थात रचित। रत्न जड़ित, यानी रत्नों से जड़ित, ये इसका विग्रह इस तरीके से होगा। दोस्तों, दयाद्र, तो दया से आद्र, क्या होगा भाई, दया से आद्र। ईश्वर प्रदत्त, तो यहां पर हो जाएगा ईश्वर को प्रदत्त। इस प्रकार से इसमें आगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो अब हम उदाहरण समझते हैं संप्रदान के। अब है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान के अंदर क्या होता है, यहां पर एक शब्द दे रखा है के लिए। अब ये जो शब्द दे रखा है हवन सामग्री, तो अब इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो वो होगा हवन के लिए सामग्री। इसी प्रकार से विद्यालय, तो इसमें हो जाएगा विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा के अंदर गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस तरीके से संप्रदान तत्पुरुष की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आता है इसी कड़ी में अपदान तत्पुरुष। अपदान का मतलब होता है भाई अलग होना, किसी से भी पृथक हो जाना। जैसे ऋण मुक्त शब्द आया है, तो यहां पर दोस्तों
इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होगा ऋण से मुक्त। फिर आता है शब्द पद च्युत, तो इसका हो जाएगा पद से च्युत, यानी पद से हटा देना, अलग कर देना। देश निकाला, तो देश से निकाला, अर्थात उसको देश से बाहर निकाल देना। अगला है भाई संबंध तत्पुरुष समास, तो इसके अंदर संबंध बतलाता है काकी के दारी रे ऐसे। तो यहां पर एक उदाहरण दे रखा है प्रेम सागर, तो अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रेम का सागर। फिर है रामचरित, अर्थात राम का चरित। मेरे हिसाब से ये उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अमचूर अर्थात आम का चूर्ण, ये इसका विग्रह हो गया। फिर आया है मंत्री परिषद, तो दोस्तों मंत्री परिषद का समास विग्रह आप करके कमेंट्स बॉक्स में अवश्य छापें। अब आता है दोस्तों इसी कड़ी में अधिकरण तत्पुरुष, इसके अंदर आता है भाई मैं पेपर। हम जब भी विग्रह करेंगे तो उस विग्रह के अंदर ये शब्द आपको अवश्य मिलेंगे, या इन्हीं के अनुसार आपको करना है। तो उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है वनवास, तो इसका हो जाएगा दोस्तों वन में वास। फिर आता है जीव दया, तो ये हो जाएगा जीवों पर दया। अब आता है भाई ध्यान मग्न, तो अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ध्यान में मग्न। घुड़सवार, तो अब हो जाएगा घोड़े पर सवार, तो इसका भी आप विग्रह कर दीजिए घोड़े पर सवार। अब दोस्तों हम पुनः इस तरफ बढ़ते हैं, आपने लिख दिया होगा, तो जैसे यहां पर मार्ग भ्रष्ट है, तो अब इसका विग्रह ये हो जाएगा मार्ग से भ्रष्ट। और मंत्री परिषद का हो जाएगा मंत्रियों की परिषद। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने इसका विग्रह इसी तरीके से किया होगा। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, बहुत जल्द हाजिर होंगे समास की तीसरी कड़ी के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।